उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव टाल दिया गया। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सपा मुखिया ने कहा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर चुकी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। हालांकि अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी कि अयोध्या से प्रत्याशी बना लिया और वो जीत भी गए। अयोध्या से सांसद बन जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के ही बड़े बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि अजीत प्रसाद पर हाल ही में मारपीट करने और फिरौती मांगने का एक मामला भी दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मछवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंद्रा की सीट शामिल है। हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं, मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बता दें कि यूपी की इन 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। जिस अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीत की तार ठोक रही थी और दमखम भर रही थी, उस सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होना है। कल जब चुनाव आयोग ने यूपी के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो बताया कि मिल्कीपुर में फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा क्योंकि इस सीट पर कोर्ट में याचिका डाली गई है। हालांकि बहुत ही जल्द अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा क्योंकि याचिकाकर्ता बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेंगे। मगर जिस तरह यूपी में बाकी 9 सीटों पर चुनाव घोषित हुए और मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, उससे अखिलेश यादव ने बीजेपी की पूरी मौज ले ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी से हार गई थी। अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा के अवधेश प्रसाद ने बाजी मारी थी और बीजेपी के लल्लू सिंह को करीब 54,000 वोटों से मात दी थी। देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाली अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में बीजेपी शुरू से ही पीछे चल रही थी। बीच में कुछ मतों से बीजेपी के लल्लू सिंह आगे हुए, मगर फिर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बढ़त बना ली और फिर ये अंतर बढ़ता ही चला गया। अब लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी थोड़ा भी चांस लेना नहीं चाहती है। हालांकि मिल्कीपुर सपा का गढ़ है, मगर फिर भी यहां बीजेपी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।